मांडर विधानसभा में उपचुनाव और मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब प्रत्याशियों की जीत या कह सकते हैं प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इस वक्त मैं खड़ा हूं आपके इटकी के सेमरा पंचायत में, जहां की तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा दूं कि ये सेमरा पंचायत है, इटकी का क्षेत्र है, जहां मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब बैलेट बॉक्स और जो ये है मतदान केंद्र है वो फिलहाल अभी अधिकारियों द्वारा सील किया जा रहा है और अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। मतदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक हो गई है, अब क्या लगता है कि जनता किसके ओर जाएगा, कौन प्रत्याशी सफल होगा? ये सर, जनता किसकी ओर जा रही है, यहाँ पर तो सारे लोग अपने अपने विचार से देते हैं मतदान में, किसको बोलूँगा किसकी ओर जा रही है, मगर देखने को मिलता है कि यहाँ पर शिल्पी नेहा तिर्की को बहुत 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 ज़्यादा मतदान मिला है। आप क्या मानते हैं किसके पक्ष में जाएगा इस बार? ये शिल्पी नेहा तिर्की की ओर जाने का ये लग रहा है। बिल्कुल, कहते हैं लोग कह रहे हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की यानी कि कांग्रेस महागठबंधन की कैंडिडेट है शिल्पी नेहा तिर्की, उनके पक्ष में जाएगा। ये मांडर, झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय चुनाव का असर देखा जा रहा था, जहाँ पे तीन प्रत्याशी मुख्य तौर पर, जहाँ भाजपा कैंडिडेट गंगोत्री कुजूर गठबंधन से शिल्पी नेहा तिर्की और एक फैक्टर और आ रहा था जिसे देव कुमार धान भी कहते हैं, इन तीनों के बीच मुकाबला टक्कर का हो रहा था। ऐसे में सभी लोग अपने अपने जीत के दावे पेश कर रहे थे, लेकिन आज मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई है, अब फैसला होगा कि जनता किसे अपना प्यार देती है और कौन इस चुनाव में सफलता प्राप्त करता है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोहिजुद्दीन, समाचार प्लस, इटकी।